खुशी की बात है, अच्छा है, ये अचीवर वुमेन अचीवर जो हैं उनके लिए ये अवार्ड है। वुमेन को अभी, औरतों को अभी रिकग्निशन मिल रहा है और इनको इसके लिए अवार्ड भी मिल रहा है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इनकी हर एक इनिशिएटिव मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी एक इनिशिएटिव बेटी के नाम से भी है, सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। और आज ये जो अवार्ड सेरेमनी है, मुझे बड़ी खुशी है कि दे आर सेलिब्रेटिंग वुमेन अचीवर्स एंड डिफरेंट फील्ड्स, वुमेन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। आई फील प्राउड व्हेन यू हैव सच अवार्ड्स एंड इट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं तो हमेशा महिला समाज की फिल्में बनाता हूँ। मेरे ख्याल से जो लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फील्ड के हैं, उनको इतना सम्मानित करना मेरे ख्याल से बहुत ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ओवर यू। हर एक फील्ड में महिलाओं ने अपनी आगे सबसे आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसा कोई फील्ड बाकी नहीं रहा है। आई थिंक स्लोली वी शुड स्टार्ट स्पेशल इवेंट्स फॉर मेन, आई गेस। सभी क्षेत्रों की महिलाएं इकट्ठी आती हैं एक दूसरे को यू नो इनकरेज करने के लिए, तो द एंथुसियाज्म इज पिकिंग अप। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यू नो फॉर ऑल जो महिलाएं हैं, बिकॉज यूजली वी हैव ऑल फिल्म अवार्ड फंक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट, बीइंग अ वुमन अचीवर्स वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड्स फंक्शन इज अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा हटके है। हमारे मुल्क में अजीब बात है कि एक तरफ तो हमारे पास एक औरत हैं, एक महिला हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा की जो स्पीकर हैं वो औरत हैं, जो लीडर ऑफ़ द ऑपोजिशन हैं, जो लीडर ऑफ़ द रूलिंग पार्टी, सब औरतें हैं। लेकिन ये भी सच है कि एक तरफ ये भी और दूसरी तरफ आज भी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। तो कोई भी एक ऐसा सिम्बॉलिक जेस्चर जो दिखाता है कि बेटी सचमुच प्यार करने के लायक है और संवारने के लायक है, उसको हम बधाई देंगे।